पत्थर का है भाई, या तो मैं इस फोन को तोड़ दूं या फिर मैं उसका सर फोड़ दूं। ये औरत हमें बताएगी भाई, ईद का अड्डा मिलता है मुझे, मैं यहीं से फैक्ट्री सीधा रघुपुरा, इसकी कमर पे ऐसा बात ना, मैं उसकी ये बेगैरत औरत ना इतनी लिचेड़पना दिखाती है। वैसे तो हमें बोला हुआ है भाई कि हम सीमा हैदर को भला बुरा ना कहें। नहीं, आपको उस वीडियो पे गुस्सा आ रहा है? मैं तो कह रही भविष्य में किसी ने इसको नौकरी भी दी ना, मैं उसी कंपनी में पहुंच जाऊंगी उस मालिक से लड़ने के लिए। अभी तो इसकी कमाई खा रहा है, आराम से लेटा हुआ है, और ड्रामेबाजी कितना करता है, बाप रे, जैसे कि इसको सच में ही नींद आ रखी है, ऐसे उल्टा सोता है। अरे बेगैरत औरत, जिस आदमी ने तुझे इतने कमा कमा के पैसे दिए, बेचारे ने अपनी पूरी मतलब मेहनत मजदूरी करके तेरे को इतने इतने पैसे दिए, तूने आज तक उसके पैर छुए? जो तू तो इस अपने बेटे नुमा पति के पैर छू रही है, इलीगल पति के बेटे नुमा, जो तो तेरे बेटे के बराबर है, उसके पैर छू रही है तो पैर, अरे बेशरम औरत, शर्म कर, शर्म कर, इडियट कहीं की, उसके पैर छू रही क्या है बात और है, वो इतना अकड़ रहा है, इतना अकड़ रहा है, उसको कह रही कि जा दूध की थैली लिया। अच्छा मतलब वो जैसे केजुआ नहीं होता भाई, इधर से मुड़ना इधर से मुड़ना, वो ऐसे मुड़ रहा है। अब बेगैरत, उसके बाद वो लेके आया, उसको लकवे का अटैक पड़ गया, आते ही उसने लकवे जैसी हरकत कर दी जैसे लकवा वाला करता है। तो क्या एक्टिंग कर रहा है भाई? अरे तेरे को देखने के लिए, तेरे को देखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, समझा ना? इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग, बाप रे। और इस बेगैरत औरत को शर्म नहीं आती है? उसके पैर छू रही है, कभी तूने उनके पैर छुए हैदर भाई के, जो हैदर भाई तेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए वहां गए थे? बेशरम औरत, इस लप्पू के पैर छू रही है। और नहीं, वो लेटा हुआ है, लेटा हुआ है जी, चलो ठीक है, ऑफिस जा रहा है। कौन भाई रात को बेल्ट वेल्ट बांध के कौन सोता है? बेल्ट वेल्ट लगा के, जीन्स डाल के, तैयार होके, एक बाल इधर नहीं उधर नहीं, और वो बोल भी एक बार नहीं भी उठ जाता है, अरे पतिदेव उठ, वो उठ भी जाता है, इतनी कच्ची नींद है, दिक्कत है तेरे। अरे चूहे मरे रात हुए को चूहे, तो सच में ही मरा हुआ चूहा है। देखे ना, बात सुने, रात को बेल्ट बांधना उसका बनता है। उसकी वजह यह है कि पैंट तो टिकती नहीं ना उसको, क्योंकि वो ऐसे है ना, ये है। अब मर्द पहनता है तो उसकी मतलब वेस्ट और हिप्स ऐसे होते हैं कि वहां पैंट टिकती टिकती है, तो उसके हिप्स तो है ही नहीं है। वो असल में सोते हुए इसलिए पहनता है कि अगर रात को जल्दी में वॉशरूम के लिए उठे तो वो पैंट नीचे ना गिर। भाई वॉशरूम का उसके चिंता नहीं है, वो नेपी लगा के सोता है, पर डर इस बात का कि कभी भी पुलिस वाले आ सकते हैं हमें लेने के लिए। कभी कभी भी अगर पुलिस वाले आ गए ना, तो भाई मेरे को पैंट ढूंढने ना पड़े, इसलिए तैयार होके रहता है वो, कि कभी भी पुलिस वाले आ सकते हैं घर पे, कभी भी ले जा सकते हैं पुलिस थाने में, इसलिए। नहीं तो वैसे तो उनके घर में नेपी वेपी रहती है, नेपी पहन के रहता है, छोटा बच्चा तो है ही वो, जब वो लेटा रहता है ना बिस्तर में, तो अभी तो वो छोटी छोटी वाली बिटिया है मुन्नी, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं तो सीमा हैदर उसको बोल के जाती थी, वो कपड़े उपड़े उतार के उतारने जाती थी ऊपर, या वॉशरूम जाती थी तो वो मुन्नी को बोलती थी, मुन्नी यहाँ पे ये छोटा भैया लेटा हुआ है, ये करवट बदल के कहीं नीचे ना गिर जाए बेटा, ध्यान रखना। हाँ वो तो इस तरह, हाँ वो इस तरह से उसको ट्रीट करती है। कहीं बिस्तर में दिखाई देता है वो, बिस्तर में चिपकता है तो ऐसे ऐसा लगता है कि वैसे ही वो रखे, ऐसे चिपका रहता है वो बिस्तर पे, चिपका रहता है, दिखता अच्छा ही नहीं है कहीं। दीदी, एक और बात, मजा तो तब आना है जब मिठाई की दुकान खुलनी है। अच्छा, उसका नाम लप्पू स्वीट्स होगा, लप्पू स्वीट्स, लप्पू स्वीट्स। भाई एक बार बताओ, उसके हाथ का पहले स्वीट खाएगा कौन? उसके हाथ कटना है, उसने पट्टी बांधनी है, उसी हाथ से बनाना है उसने। भाई इसने कितने लोगों के नींबू पानी पीना छुड़वा दिया है, पता है आपको? कितने लोगों का नींबू पानी छुड़वा दिया इसने,
इसने कितने लोगों का नींबू पानी पीना छुड़वा दिया। जिस दिन इसने नींबू पानी बनाया था हाथ में पट्टी बांध रखी थी, उसी हाथ से नींबू निचोड़ा, उसी हाथ से क्या ही बोलूं, आलू वैसे ही महंगे हो गए, स्वीट पोटैटो महंगे महंगे हो जाएंगे, पर स्वीट पोटैटो खाना इसने छोड़ दिया। वो तो इतना जबरदस्त इंटेलिजेंट बच्चा है, वो तो आपको चिप्स बनाना सिखाता है। आपने देखा नहीं है कि चिप्स कैसे बनते हैं? वो ऐसे आके एजुकेशन के भाई चिप्स ऐसे बनते हैं, ये बता। वो इंटेलिजेंट है ना। और आपने सरिता बहन में आपने उसकी नौकरी छुड़वा दी माइक्रोसॉफ्ट से, आपने उसका नारियल पानी बंद करवा दिया सीमा हैदर का, आपने उसके आलू बंद करवा दिए, ठीक है। आपने देखे, मैं आपसे नाराज हूँ, देखे उसको इतना तो आप छोड़े कि बेचारे वो कुछ खाने पीने के जोगे रहे, कुछ खाते पीते रहे। आप भाई मैं एक बात पूछो आप, हाँ अगर कल को ऐसे, पहले तो वो प्रेग्नेंट है नहीं, ठीक है ना, बाई द वे वो प्रेग्नेंट है, कल को उसको खून की जरूरत होगी तो पहले नप्पो को तीन बोतल चढ़ानी पड़ेगी, जब जाके एक बोतल देगा वो खून। पहले मतलब ये कहां से रिस्पॉन्सिबल पति लगता है, कहां से एक आपको कहां से लगता है इनलीगल जो पति बना हुआ है, कहां से लगा हुआ है, है? कहता है कि मेरे हाथ, मेरा ढाई किलो का हाथ, पूरा 250 ग्राम का तो पूरा बदन नहीं है उसका, ढाई किलो का हाथ बोलता है, बताइए। अच्छा सच में मुझे तो दया भी आती है। पोलियो की ड्रॉप, इसको तो पोलियो की ड्रॉप अभी भी पिलानी चाहिए, अभी भी कोई भरोसा नहीं है इसको, पोलियो वोलियो ना हो जाए अभी। इन्होंने जहाँ मतलब जेल जाने से पहले इनको आप इस जोगा तो छोड़ दें कि बेचारे आलू खा ले, और वो शकरकंदी ले आए थे, शकरकंदी को हमने नहीं छोड़ा, फिर उसके बाद साग को भी आपने उनके छोड़ी। देखे उनको इतना तो थोड़ा सा जेल जाने तक जिंदा तो रहने देना कि मतलब कोई चीज वो खा ले, लेकिन वो जैसे पेश करते हैं ना। अच्छा दीदी, यहाँ पर इतना अरसा हम पाकिस्तान में, मैंने आज तक चने की बिरयानी नहीं सुनी दीदी, मैंने सुनी पहली बार है पाकिस्तान में दीदी। मैं नहीं, हो सकता है इंडिया में बनती हो दीदी, शायद बनती हो, मुझे नहीं पता, हमने पहली बार देखा भाई। और एक अब्रॉड में रहती हैं आपके पाकिस्तान से एक आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल कॉल किया कि सरिता बेटा हमारे यहाँ ये खाना नहीं, मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ, उन्होंने बोला बेटा मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ, आज इसने जो चने की और चावलों की ऐसी तैसी करी है, हमारे यहाँ ऐसा खाना नहीं बनता है, उन्होंने स्पेशल मुझे कॉल किया सच में। ऐसे एक बात है दीदी, इंसानियत की बात है, मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने उनको इतना किया, वो बेचारा ऑफिस जाता था, उसको खाना दिया जाता था टिफिन में बांध के, वो भी वीडियो आप लोगों ने उसकी बंद करवा दी, उसने डेली बताना था कि मेरा श्री जा रहे हैं पति मेरे, तो मैं इनको खाना दे रही हूँ। वो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर था, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में जॉब करता था, आप लोगों ने वो भी बंद करवा दी, तो ये वैसे ज्यादती है। देखें इस पे लड़ाई होगी मेरी आपके साथ भी। तो आज की ताजा तरीन खबरें आ गई हैं, और सबसे पहले तो बताएं आपको कि सारी बातों के बावजूद, गुलाम हैदर की खुशी देखने के बावजूद, वीजे के अंदर जो रुकावटें थी वो खत्म होने के बावजूद, अब नया मुद्दा स्टार्ट हुआ है बहन मेरी, के उसको आने में 6 माह भी लग सकते हैं। दूसरा मुद्दा, अगर ऐसी बात है तो फिर मोमिन मलिक सर क्यों नहीं आकर इस बात को क्लियर करते। तीसरा मुद्दा सुनी जाए, मतलब इतने फारिग दिमाग लोग हैं बहन, इतने फारिग दिमाग लोग हैं कि बंदा क्या बात करे। तीसरा मुद्दा जी, अभी मेरा ख्याल से जो डेट थी चंडीगढ़ थाने में जाने की, अभी मोमिन मलिक साहब मेरा जहां तक ख्याल है वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी नहीं लेके गए, क्योंकि उन्होंने डेट हाइड की हुई थी कि किस तारीख को बुलाया। अच्छा किया उन्होंने, जरी बात है कानूनी मामलात होते हैं, वो लोगों को नहीं बताने,
लेकिन लोग इतने बेसबरे हैं कि वहां पर चंडीगढ़ की पुलिस का छापा भी पड़ चुका है, सीमा हैदर अब जेल में बैठी हुई है और नितरपाल और जनाब ये सब जेल में चले गए हैं। और बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा दीदी, वो फिल्म का डायलॉग है कि कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, मुझे इसके ऊपर आप बात करेंगे, लोग कहां से आ जाते हैं बहन। वाकई में भाई कहां से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग, इसी दुनिया में हम हैं, इसी धरती पे वो लोग हैं, पर ये यूनिक जो यूनिक लोग हैं ये कहां से आ जाते हैं, इन लोगों के पास ऐसी ऐसी खबरें कहां से आ जाती हैं जो हमको भी नहीं सुनाई देती हैं, हमें भी उड़ते उड़ते सुनाई देती हैं। मैंने भी सुना है कि इतनी जल्दी तो उसको हैदर को वीजा मिलने वाला नहीं है, अभी तो बहुत बड़ी प्रोसेसिंग चलेगी, अभी तो ताक झांक करेंगे, इदारे जाएंगे, अलाना जाएगा, कौन जाएगा भाई, कौन जाएगा, किसके पास इतना टाइम है कि वो दोबारा से ये जो प्रोसेसिंग है वो दोबारा से करेंगे। वो बेचारा अपने बच्चे मांगने के लिए बेचारा ने 17 महीनों से 18 महीनों से लगा हुआ है, और कहाँ पाए जाते हैं ऐसे लोग जो ऐसे ढूंढ ढूंढ के ऐसे लाइन लेके आते हैं कि नहीं अभी वीजा में 6 महीने की प्रोसेसिंग लगेगी। व्हाट द हेल आर यू यार, आप उस बंदे को ना पता क्या है, उस बंदे को आप ना तो जीने दे रहे हो ना मरने दे रहे हो, आप उसको ऐसा जहर दे रहे हो ना जिस जहर से वो बेचारा, जिसको स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं,